हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं आपको ये दो कलर में ये जाली की झालर वाला टेबल मैट बनाना सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप इसको जितना बड़ा बनाना चाहो उतना आप इसको बड़ा बना सकते हो। ये मैंने 30 फंदे से बनाया है, 30 फंदे से देख सकते हो आप इतना बड़ा बना हुआ है ये। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें दो कलर लगाए हैं। अगर आप चाहो तो इसको मल्टी कलर में भी बना सकते हो और सिंगल कलर में भी आप इसको बना सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, और डिजाइन को समझने के लिए प्लीज वीडियो को आप एंड तक देखिए, जब ये आपकी समझ में आएगा कि मैंने इसको कैसे बनाया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने स्टार्टिंग में लूज फंदे डालने होते हैं। या तो आप फंदे लूज डाल लीजिए या आप डबल नीडल पे इस फंदे डाल लीजिए, क्योंकि जहां से हम स्टार्टिंग करेंगे तो ये भी हमारी ये जैसे किनारा है तो थोड़ा सा खुला खुला बनना चाहिए, क्योंकि डिजाइन खुला खुला बनेगा और बाद में फिर आप एक नीडल को ऐसे निकाल दीजिए या आप ऐसे फंदे इसमें लूज डालिए। तो देखिए, फर्स्ट रो से ही हम अपना इसमें डिजाइन स्टार्ट करेंगे। इसमें मैंने सिंगल धागे से फंदे डाले हैं, कोई अभी मैंने इसमें रो नहीं उतारी है। तो देखिए, फर्स्ट वाले फंदे को हम कैसे बनाएंगे। ये हमने बना लिया। यहाँ पे फ्रेंड्स हम एक फंदा बढ़ाएंगे, तो धागा हमारा अपनी तरफ है, यहाँ पे हम एक फंदा इसमें बढ़ा लेंगे। ये देखिए, एक हमारा यहाँ पे फंदा हमने बढ़ा लिया है और एक हमारा ये सीधा बन गया है। एक ही फंदा हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो देखिए, धागा आगे करके ये हम दो का एक कर देंगे। पूरी रो को हम ऐसे ही बनाएंगे, ये देखिए। इसलिए मैंने बोला था कि फंदे लूज डालिए ताकि बनाने में आसानी हो। ये देखिए, लूज फंदे में हम आसानी से दो का एक ऐसे कर देंगे, तो हमारे फंदे फ्रेंड्स यहाँ पे घटते नहीं। एक फंदा हमारा जाली से बढ़ गया और एक हमने जो दो का एक किया, तो फंदे हमारे उतने ही रहेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से हम दो का एक कर देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, पूरी रो आपने जितने भी आपने फंदे डाले फ्रेंड्स, जोड़े से आप फंदे डालिए और ऐसे ही आप दो का एक कर दीजिए। फर्स्ट रो हम ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए, ये फ्रेंड्स आप थालपोस बना के भी यूज कर सकते हो, टेबल मैट बना के यूज कर सकते हो, डोरमेट बना के यूज कर सकते हो। कोई भी आप अपनी चॉइस से इस डिजाइन को किसी में भी डाल सकते हो। ये देखिए, 30 फंदे हैं मेरे, सारे ही फंदे मैंने बना लिए हैं। लास्ट के फ्रेंड्स दो फंदे मैं छोड़ दूंगी। ये देखिए, एक बार हम और बनाएंगे। ये देखिए, ये दो फंदे छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। इस साइड देखिए फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे बनाएंगे उल्टा उल्टा, दोनों फंदों को हम ऐसे ही, जाली वाले को भी और जो दो का एक किया था, ऐसे हम इस रो को कंप्लीट करेंगे उल्टा उल्टा बना के। हर बार आपने ये रो ऐसे ही बनानी है। ध्यान से देखिए, ये देखिए पूरी रो हम बना लेंगे। ये हमने फंदा बढ़ाया था, इसको भी हम बना लेंगे। किनारे वाले को मैं हमेशा सीधा बनाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, दो रो हमने इसमें उतार ली हैं। अब आप ध्यान से देखिए,
फर्स्ट वाला हम ऐसे ही उतारेंगे, ये फंदा हमने बढ़ाया था इसको भी हम उल्टा बना लेंगे, और ये जो हमारा सीधा फंदा था फ्रेंड्स इस पे हम ऐसे एक फंदा और बढ़ा देंगे। हर बार हम इसी सीधे फंदे के इस साइड एक फंदा बढ़ाएंगे, हर बार हमने एक फंदा बढ़ाना है। और देखिए फ्रेंड्स, एक बार हमने डिजाइन डाला है और बीच में हम ये चार रो ऐसे ही सिंपल बनाएंगे। अब हम कोई डिजाइन नहीं डालेंगे, ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो मैं ये रो आपको उतार के दिखाऊंगी और एंड में हम दो फंदे छोड़ देंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है फ्रेंड्स ये, और बहुत ही खुला खुला बनेगा और जल्दी जल्दी बन के कम्प्लीट होगा। ये देखिए, ये पूरी रो हम ऐसे ही उल्टी उल्टी बनाएंगे और एंड के दो फंदे और छोड़ देंगे। ये देखिए, इस साइड से भी हम इसको ऐसे उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं ऊपर का दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, पूरी रो हमने ये उतार ली है। अब एक बार देखिए आप, इसको ऐसे ही उतारेंगे। ये हमारा बड़ा हुआ फंदा था, ये दो हमने फंदे बढ़ा लिए हैं, इनको हम उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, अब आप हमारा दिखाई देने लग गया, ये जो सीधा फंदा है इसी पे हम हर बार जाली से एक फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए, और ये बाकी के हम जैसे हमने ये पहले रो बनाई है उल्टी उल्टी, हम इसको ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो मैं पूरी रो को उल्टी उल्टी बना के फ्रेंड्स दो फंदे एंड में छोड़ दूंगी, और इस साइड से भी मैं इसको कंप्लीट करके यहां से फिर से आपको मैं समझाऊंगी। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये जो हमने एक ही पे हम ये जाली डालते हैं, इस साइड हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, और ये देखिए ऊपर तक इसी फंदे पे हम जाली डालेंगे, और ये फंदे जब हम ये कली पूरी कंप्लीट बना लेंगे दो दो फंदे छोड़ते हुए डिजाइन डालते हुए, तो हमारे ये फंदे इस साइड से ऐसे लुक आएगी, ऐसे फंदे हमारे ये बढ़ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, मैं ये रो उतार लेती हूँ इस साइड आके, फिर मैं यहाँ से आपको दोबारा दिखाऊंगी। ये देखिए, इस साइड से मैंने रो उतार ली है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल व्हाइट कलर पे आपको समझाया है ताकि आपको साफ साफ नजर आए। ये देखिए, ये हमने बीच में चार रो उतार ली है, जैसे इसमें मैंने ये बनाई हुई है। अब फिर से हम अपना ये जाली का डिजाइन डालेंगे, और आप यहां से अच्छे से समझ लीजिए। ये देखिए, अब ये हमारा यहाँ पे झालर बननी स्टार्ट हो गई, हमारी दिखाई देने लग गई। देखिए, फर्स्ट वाला एक बार और देख लीजिए, फिर मैं इसको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये हमारा बड़ा हुआ था, ये भी हमारा बड़ा हुआ था। पिछली बार हमने ये जाली से ये बढ़ाया था, इसको भी हम उल्टा बना लेंगे। जो हमारा फंदा बढ़ता जाएगा उसको हम इसमें ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये हमारा सीधा फंदा है, धागा हमारा अपनी तरफ ही है क्योंकि हमने ये उल्टा बनाया है। इसी पे हम एक फंदा बढ़ा के, यहाँ पे हमारा हर बार फंदा बढ़ेगा जाली से, बढ़ गया। अब धागे को आगे करेंगे, देखिए डिजाइन आगे जाली वाला ही डालेंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे फंदा नहीं बढ़ेगा। धागे आगे करके हम दो का एक बना देंगे। ये देखिए, ये पूरी रो हम ऐसे ही बनाएंगे। एक बार और देख लीजिए, अगर आपको टाइट लगे तो आप ऐसे लूज कर लीजिए निडल को डाल के, और पूरे को आप ऐसे ही बना लीजिए। आप अगर प्लेन व्हाइट में भी बनाओगे फ्रेंड्स, तो इसकी भी बहुत ही ज्यादा ये ग्रेसफुल बनेगा। ये देखिए, पूरी रो को हम ऐसे ही उतारेंगे। आगे करेंगे और दो फंदे का एक बना देंगे। ये देखिए, फिर से धागा आगे करेंगे और दो का एक बना देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पिछली बार छोड़े थे, ये हम इस बार छोड़ देंगे।
और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। ध्यान से देखिए, इस साइड से मैं ऐसे ही बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, एक बार हमने जाली का डिजाइन डालना होता है, चार रो फिर हम बीच में ये सिंपल बनाते हैं उल्टे उल्टे। अगर आप चार रो नहीं बनाओ, आप खाली पूरे में जाली बनाओ, तो आप पूरे में जाली भी बना सकते हो। पहले भी मैंने एक डोरमेट बनाया फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे जाके देख लीजिए, उसमें मैंने पूरे में जाली से बनाया है। बीच में ये मैंने चार रो का जो डिजाइन डाला है उसमें मैंने ये नहीं डाला है, आप वैसे भी बना सकते हो। ये देखिए, ये सारे फंदे हम उल्टे बना लेंगे। अब एक बार मैं झालर का डिजाइन आपको एक बार और बताऊंगी, फिर मैं फ्रेंड्स इसको पूरा करके दिखाऊंगी। ये देखिए, डिजाइन हमारा डल गया। अब आपको झालर देखिए साफ साफ दिखाई देगी। इसको ऐसे ही उतारेंगे, इसको उल्टा बनाएंगे, इसको भी। जितने हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे, ये पिछली बार था, इसको हमने उल्टा बना लिया, इस पे फिर से हम ऐसे एक फंदा बढ़ा लेंगे। और इस बार हम ऐसे जैसे हमने पहले बनाया है, चार रो बीच में हम फ्रेंड्स ऐसे उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये रो मैं आपको उतार के दिखाऊंगी, फिर मैं इस गली को कंप्लीट करके झालर की, हम इसकी झालर के फंदे वाइंड अप कैसे करेंगे और कब करेंगे वो मैं आपको ऊपर बताऊंगी बनने के बाद। ये देखिए, ये दो हमने पिछली बार छोड़े थे, दो हम इस बार छोड़ देंगे। ये देखिए, दो हमने छोड़े थे, एक और मैं बना लूंगी और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही बीच में ये चार रो का गैप करूंगी और फिर से मैं ये जाली बनाऊंगी और इधर मेरे झालर के फंदे बढ़ते जाएंगे और दो दो फंदे छोड़ते हुए हम ये सारे फंदे यहाँ तक छोड़ देंगे जब हमारी ये एक बार की कली कंप्लीट होगी। तो मैं सारे फंदे दो दो करके छोड़ देती हूँ और ये डिजाइन मैं ऐसे ही कंटिन्यू डालती जाऊंगी। तो मैं यहाँ तक आ जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर का बताऊंगी। ये देखिए, ये कली हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। यहाँ हमारे फंदे, हर बार एक एक फंदा हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, बढ़ा लिया है। ये आप देख सकते हो, ये दो दो करके मैंने यहाँ तक सारे ही फंदे ये देखिए छोड़ दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जितने भी आपके यहाँ पे झालर में फंदे बड़े हो, आप सबको ऐसे वाइंड अप करिए। दो का एक किया, वापस इसमें डाला, ऐसे हम सारे ही फंदे बड़े हुए घटा देंगे। ये देखिए, हमने अपने फंदे कली कंप्लीट होने के बाद जितने हमने फंदे डाले थे उतने ही फंदे हमारे पास बचेंगे। अगर एक फंदा भी कम या ज्यादा हो गया तो हमारा डिजाइन खराब हो जाएगा। ये देखिए, बीच के हमने सारे ही फंदे घटा लिए, ये लास्ट का एक और हम घटा लेंगे। ध्यान से देखिए, ये जो जिस पे हमारी जाली हर बार डलेगी, इस फंदे को हमने ऐसे ही रखना है। और एक फंदा ये जो हमने यहाँ पे नीचे किनारे का लिया था, ये दो फंदे हमने यहाँ पे ऐसे रखने हैं और ये सारे फंदे ऐसे वाइंड अप करने हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, इस पे हम कोई फंदा अभी नहीं बढ़ाएंगे। इस रो में हम ये दो फंदे ऐसे ही रखेंगे और आगे धागा करके इसमें हम सारा ये जाली वाला डिजाइन बनाएंगे। ये हमारी कंप्लीट हो गई, इस रो में हम सारे ही फंदे छोटे हुए बना लेंगे। को टाइट लगे तो आप ऐसे लूज कर लीजिए।
धागे आगे करेंगे और दो का एक कर देंगे, फिर से आगे करेंगे और दो का एक कर देंगे। आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे हों आप ऐसे ही बना लीजिए। एंड तक हम बना लेंगे। ये देखिए लास्ट वाला भी हम ऐसे लूज करेंगे और इसको भी ऐसे बना लेंगे। ये देखिए सारे फंदे हमने बना लिए। ये हमारे यहाँ पे झालर की हमने सारे फंदे वाइंड अप कर लिए हैं। झालर हमारी साफ दिखाई देने लगी। अब हमें क्या करना फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। अगर आपको सिंगल कलर से बनाना है तो आप ये उल्टी उल्टी रो ऐसे ही बना लीजिए, और अगर आप दूसरा कलर लगाओगे तो आपको यहाँ से इसमें सेकेंड कलर ऐड करना है। ये आप एक बार देख लीजिए, सेकेंड कलर लगाएंगे। कली कंप्लीट होने के बाद हम बैक साइड से इसमें लगाएंगे। इसको आप ऐसे टाइट कर दीजिए, नोट लगा दीजिए बाद में। ये देखिए ये सारे फंदे हम इससे ऐसे बना लेंगे। एंड तक जितने आपके फंदे हों आप सारे ही ऐसे बना लीजिए। ये देखिए कलर हमने इसमें दूसरा लगा लिया है। अब हमें क्या करना है देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए आप। इसको हम ऐसे सीधा बनाएंगे। ये हमारा किनारे का फंदा है और इस पे हम जिस पे हम जाली डालते आए हैं इस पे हम ऐसे ही जाली डालेंगे। ये देखिए, और ये आगे के फंदे जब भी हम कलर लगाएंगे तो इनको अब हम, क्योंकि जाली हमने पहले डाल ली जब हमने सारे फंदे बनाए थे, अब हम जो बीच का हमने डिजाइन डाल रखा है उल्टा उल्टा बना के, अब हम वो बनाएंगे। दूसरी कली की स्टार्टिंग हो गई है, ध्यान से देखिए एक बार। देखिए, और लास्ट में हम अपने, क्योंकि हमने यहाँ पे फंदा बढ़ा लिया है, कली हमारी बननी स्टार्ट हो गई है, तो अब हम लास्ट में दो फंदे छोड़ देंगे। ये देखिए यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। तो मैं इस रो को उतार लेती हूँ, एक बार यहाँ से आपको फिर से बताऊंगी। देखिए यहाँ तक मैं आ गई हूँ। लास्ट वाले किनारे वाले को हम ऐसे सीधा बना देंगे। इसको सीधा बनाने से देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी है ये बाउंड्री ऐसे बनेगी, और जब हम फंदे वाइंड अप करते हैं तो वो ऐसे ही बनते हैं। तो हमारा ये बहुत ही प्यारी किनारा बनेगा, इसकी शेप बड़ी अच्छी आएगी। अब देखिए यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे ही उतारेंगे। ये पिछली बार हमारा बड़ा था, इसको हम उल्टा बनाएंगे, और इसी फंदे की आप पहचान रखना जिस पे हम ये फंदा बढ़ाते आए हैं, इसी पे हम अपना एक फंदा बढ़ा लेंगे। और ये हम ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे, दो फंदे पीछे छोड़ देंगे।
हमारे यहाँ पे जालर के फंदे बढ़ने लग जाएंगे। जब ये कली हमारी पूरी हो जाएगी, दो दो करके छोड़ देंगे, तो फ्रेंड्स आप सारे ही फंदे ऐसे वाइंड अप कर दीजिए। तो जब आप कंटिन्यू बनाओगे तो देखिए इस तरह से कुछ इसकी लुक आएगी। ये बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आएगा। और फ्रेंड्स आप इसको किसी चीज में भी आप इसको यूज कर सकते हो। ऐसे हाफ सर्कल बना के आप इसको इसका डोरमेट बना सकते हो, पूरा बना के थोड़ा सा और बड़ा बना के पूजा का आसन बना सकते हो, टेबल मैट बना सकते हो, जो भी आपकी इच्छा हो वो आप इसमें बना के यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरा डिजाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स अगर आपको डिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि मैं कोई भी नई डिजाइन की वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में नई डिजाइन के साथ। थैंक यू।